ये साइट्रिक एसिड है और साइट्रिक एसिड दूध को कॉगुलेट कराने के लिए यूज किया जाता है और इस साइट्रिक एसिड से सोया के मिल्क का पनीर बनेगा। क्या व्यूज? पहली चीज तो इसका जो प्रोसेसिंग है वो काफी मेरे को इजी लगा, और सेकंड प्रोसेसिंग के बाद आपने जो कॉफी वगैरह इसका टेस्ट कराया वो टेस्ट भी कंपेयर टू जो हैंडमेड वगैरह मैंने देखा है तो उसके कंपेयर में इसके रिजल्ट काफी अच्छे लगे। तो कोई भी आम आदमी कर सकता है? हाँ, इजीली कर सकता है। यदि जनरली मेरे हिसाब से तो कोई एक बार, कोई दो तीन बार देख लेगा ये प्रोसेस होते हुए तो इजीली कर लेगा वो। मुझे इसका डेमोंस्ट्रेशन बहुत अच्छा लगा। मेरे अपने व्यूज के हिसाब से आज जो इसके प्रोडक्शंस हैं, जो इसके प्रोडक्ट बनने वाले हैं,
उनकी कॉस्टिंग के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। यदि हम आज के दिन अपने प्रोडक्ट की जितनी भी कॉस्ट कम से कम मिनिमाइज कर पाएंगे तो हम मार्केट में उतनी देर ही टिक पाएंगे। देखिए इसमें हमारी कॉस्टिंग बहुत कम आ रही है प्रोडक्ट, हम लगभग इससे एक घंटे के अंदर 90 से 100 लीटर दूध की प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, जिस दौरान हमारी 5 से 6 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी और 20 से 25 रुपए की हमारी लेबर कॉस्ट आएगी, जो कि 90 से 100 लीटर दूध के अंदर बहुत ही मिनिमाइज कॉस्ट है। यदि आज हम और कोई भी प्रोडक्ट यदि कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो इतनी मिनिमाइज कॉस्ट के अंदर कोई भी प्रोडक्शन हम आज कर नहीं पाएंगे किसी भी इंडस्ट्रीज के अंदर। इसलिए मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा और जो आपने इसका फाइनल प्रोडक्ट मुझे बना के दिखाया पनीर, उसका तो मतलब टेस्ट लाजवाब था, उस टेस्ट को तो हम भूल नहीं सकते। यदि किसी ने एक बार भी उसको टेस्ट कर लिया तो भविष्य में उसकी डिमांड जरूर करेगा, ऐसा मेरा अपना विचार है।